हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। विष्णु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मैथ के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड्स, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग जरूर देखें और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं वो जरूर देखें क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अभ्यास 1F में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं तो आइए देखते हैं। पहले सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आप लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो इसमें x का मान सब में बताना है कि क्या आएगा x का मान। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये जानेंगे। फिर जानेंगे पांचवें क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अभ्यास 1F का लास्ट एंड छठा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, सरल करना है। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास 1F। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है लिखिए। तो सत्य और असत्य इन सब का लिखना है। तो आइए इसी के सामने सत्य और असत्य लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, -6/7 +6/7 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा तो है नहीं। जबकि 0, 1, 2, 3 ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1, 1/1, 2/1 और 3/1 इस रूप में अंश और हर यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा ये असत्य, क्योंकि यह परिमेय संख्या है और इसमें क्या लिखा है? नहीं है, तो यह असत्य हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि किसी भी नंबर में देखते हैं, 0 में 3 जोड़ेंगे या फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। और ये इसको कहते हैं तत्समक योग, यानी वही नंबर आता है, इसका मतलब यह सत्य है। तो दूसरे का सत्य। तीसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम सबका होता है, चाहे वह शून्य ही क्यों ना हो। तो योगात्मक प्रतिलोम सबका होता है, इसलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि सबका होता है योगात्मक प्रतिलोम। आगे पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को उस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो यह क्या है, सत्य। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोगों को इस पे क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर पता चलेगा कि यह योगात्मक ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो यह क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आइए पांचवा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, यह क्या है, असत्य। यह क्या है, असत्य है। क्यों है? क्योंकि 0 में से 3 घटाएंगे और 3 में से 0 घटाएंगे, ये दोनों परिमेय संख्याएं समान नहीं होंगी, इसलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। तो तत्समक अवयव शून्य है, यह असत्य है, घटाने में नहीं होता, योग में सत्य होता है। अब आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो ये क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है।
क्योंकि तत्समक अवयव गुणा का तत्समक अवयव, अगर कोई संख्या तीन है इसका तत्समक अवयव गुणा का 1/3 होगा और इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यह एक आया गया, इसका मतलब यह सत्य है। अब सेवेंथ क्वेश्चन, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, यह भी सत्य है। ये कैसे सत्य है आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, तो यह सत्य है। अब देखते हैं वन का एट्थ क्वेश्चन लास्ट, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो वह शून्य है, तो यह भी सत्य है। शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो यह सत्य है। इस तरह आप लोगों ने सॉल्व किया सत्य और असत्य का, कारण के साथ कि यह सत्य क्यों है और असत्य क्यों है, ये फर्स्ट का ये सॉल्व हुआ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बारी बारी से। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह है उसको भरना है। तो अब आप लोग बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या भरेंगे, यहाँ खाली जगह है इसमें क्या भरा जाएगा। तो आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए कि जब भी ये दोनों पक्षों में आप लोग देख सकते हैं कि यह सेम नंबर है, सेम परिमेय संख्या इधर भी और दोनों तरफ दोनों पक्षों में बराबर है। तो किसी भी नंबर में अगर हम जीरो जोड़ दें, जीरो, तो क्या आता है, वही नंबर आता है। तो यहाँ पर जीरो भर दिया जाएगा। इस नंबर में अगर सेम नंबर घटाते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आता है, यानी 3-3=0। इसमें -4/5, ये जो सेम नंबर है यही नंबर दोबारा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, -4/5 यही आ जाएगा। और यह सेम नंबर घटा दिए, सेम नंबर घटाने पे क्या आता है, जीरो आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें खाली जगह यहाँ पर भरना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पावर कितना है, -1। पावर जब -1 हो तो क्या करते हैं, अंश का हर और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि -2/1 अंश का हर का अंश बना देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, यानी 1 पावर आ जाएगा। और 1 पावर जानते ही हैं क्या होता है, -2, और 1 का 1, तो ये आ जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो 3 से 3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 = 4। अब क्या आ गया, देखिए माइनस ऊपर क्या बचा, 1, तो -1/2 (-1). पावर को माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/-1 (1), तो ये क्या बन जाएगा, -2, ये आंसर हो गया -2। इस तरह सेकेंड क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये हो गया। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इसको जो परिमेय संख्या है इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, और दूसरी तरफ जब ले जाते हैं इस साइड RHS, तो क्या होगा, ये अंश का हर और हर का अंश मल्टीप्लाई के साथ कर देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x = 1 × 3/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -3/4 + x = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो -3/4 +
एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें माइनस थ्री बाई फोर को हम क्या करेंगे, ये पूरे को दूसरी साइड ले जाएंगे जीरो की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा, साइन बदलता है। तो ये माइनस थ्री बाई फोर है तो इधर जाएगा जीरो साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री बाई फोर। ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री बाई फोर, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर। तीसरे का थर्ड क्वेश्चन, एक्स मल्टीप्लाई माइनस फाइव बाई फोर इक्वल टू वन। अब यहां पर देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे इस तरफ आरएचएस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो अंश को हर और हर को अंश चेंज कर देंगे, यानी वन मल्टीप्लाई फोर बाई माइनस फाइव, ये इंटरचेंज हो जाता है, आपस में बदल जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, यानी माइनस फाइव, फोर बाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर बाई फाइव, ये आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर दो माइनस है, एक्स मल्टीप्लाई माइनस सिक्स बाई माइनस सेवन इक्वल टू वन। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस है तो जब भी दो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यह क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस हट जाएगा और वन। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन मल्टीप्लाई सेवन बाई सिक्स, उल्टा कर देते हैं, इसको सिक्स बाई सेवन को यहां पर सेवन बाई सिक्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, तो इस तरह क्या आंसर आ जाएगा, सेवन बाई सिक्स, यह आंसर आ जाएगा, इस तरह यह आंसर आ गया। अगर आप लोगों को इस एलजेब्रा से रिलेटेड बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा और आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, माइनस फाइव बाई फोर मल्टीप्लाई फोर बाई माइनस फाइव इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से देखिए बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो कैंसिल आउट कीजिए, फाइव से फाइव वन टाइम्स और फोर से फोर एक बार में, और माइनस कितने हैं, दो, यानी कि कट के क्या हो जाएगा, वन, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं रहती, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, इस तरह यह आंसर आ गया। इससे संबंधित वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन नाम से, उसको जाकर सॉल्व करिए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे का छठा क्वेश्चन, माइनस सेवन बाई सिक्स प्लस सेवन बाई सिक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे होगा, कोष्ठक हटाइए तो क्या हो जाएगा, सेवन बाई सिक्स प्लस सेवन बाई सिक्स इक्वल टू एक्स। अब जब भी सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, जीरो। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यह दोनों सेवन बाई सिक्स माइनस में है और सेवन बाई सिक्स प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और घट के क्या आएगा, जीरो। एक्स इक्वल टू यह लिख देंगे, सीधा कर देंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, यह आंसर आ जाएगा, आंसर। इस तरह थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब आइए सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन, आइए सीखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, तो जैसे तीन का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या होगा,
तीन का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या होगा इसका आंसर? योगात्मक प्रतिलोम यानी कि तीन में कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं कि जीरो आए, तो क्या करेंगे इसमें माइनस थ्री क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। योगात्मक प्रतिलोम तीन का क्या हो जाएगा माइनस थ्री, इसको कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब होता है कि आप लोग क्या करेंगे, जो जिसका भी निकालना हो योगात्मक प्रतिलोम उसका बस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देंगे यानी चिन्ह को बदल देंगे। जैसे और कुछ उदाहरण देखते हैं, पी बाई क्यू का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? परिमेय संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस चिन्ह में बदलाव आएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस पी बाई क्यू। इस तरह अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं और आधारित है फोर्थ क्वेश्चन योगात्मक प्रतिलोम। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का पहला क्या कह रहा है, वन बाई टू का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो वन बाई टू परिमेय संख्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे, परिमेय संख्या वन बाई टू का वन बाई टू ही रहेगा, इसमें क्या बदलाव होगा चिन्ह बदल देंगे। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग चिन्ह बदल देंगे तो प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब इसका देखिए माइनस थ्री बाई एट का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या करेंगे परिमेय संख्या वही रहेगी थ्री बाई एट, इसमें बस चिन्ह बदल जाएगा यानी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। प्रतिलोम जीरो का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा जीरो ही होता है, तो इस तरह योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आता है। आप लोगों ने योगात्मक प्रतिलोम सीखा उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, किसी भी p by q का गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालना हो, p by q का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा प्रतिलोम, इसका अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो q ऊपर आ जाएगा अंश में और p नीचे आ जाएगा। जैसे 8 बाई 9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे तो क्या हो जाएगा 9 अंश में चला जाएगा और हर में 8 चला जाएगा यानी 9/8। या अगर x का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो क्या होगा 1/x हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 1/x, x को और 1/x को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर, ये हो जाएगा 1। तो हमेशा गुणात्मक प्रतिलोम गुणा करने पर आंसर 1 आना चाहिए, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम उसका इनवर्स होता है। इस तरह आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम अंश को हर बनाइए और हर को अंश बनाइए यानी इसका इनवर्स कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13/8, यह आंसर हो जाएगा। अब इसमें -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या होगा इसको देखिए 19 ऊपर चला जाएगा और -6 नीचे आ जाएगा यानी 19/-6 यह आंसर हो जाएगा। अब इसमें 17/-16 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें भी अंश को हर को अंश बनाइए तो -16/17 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह ये गुणात्मक प्रतिलोम रहा। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका इनवर्स कर दीजिए 1/-9 ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये 1/17 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2/5 × 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देख 2 से 4 कट जाएगा दो बार में
अब जो बचेगा उसको गुणा कर दीजिए तो 9 अंश में 9 बचेगा, नीचे 5 टू जा 10 रहेगा हर में, तो 10 आ गया। अब 9 बाई 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम 10 बाई 9 होगा, यह आंसर हो जाएगा। इस तरह ये पांचवा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आइए सॉल्व करते हैं छठा क्वेश्चन क्या होगा। ये मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जीरो का मल्टीप्लाई है, तो सबको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी क्या आएगा, अंत में जीरो ही आएगा, यानी जीरो का जब भी किसी भी नंबर में गुणा होता है तो वह जीरो आ जाता है, इसका आंसर सिर्फ जीरो होगा। आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।